कोरोना वायरस क्या कहता है कि देश की जनता जब अपने अधिकारों की बात करे, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाए तो कोरोना फैल जाएगा। 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाला आटा चोरकन समामा की सरकार नहीं बनी, कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली, हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं मिल रहा, आप जा रहे हैं पाकिस्तान भेजने, शर्म नहीं आती? पूरा विश्व का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति COVID-19 से लड़ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है, हमारा गृह मंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है। वो ममता बनर्जी से दो मई दीदी गई, दो मई दीदी गई, क्या टपुरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है आपको नहीं दिखा? ओ दीदी, ओ दीदी, कोई कह दे ओ फेकू, ओ बेचू, ओ बाटू, ओ मतों के साथ कैसा लगेगा? किसने देश को कोरोना की आग में झोंका? जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो क्या भारत के माननीय प्रधानमंत्री और तारीपार गृह मंत्री को दिल्ली के चुनाव में अपने 303 सांसदों के साथ घर घर पर्चा बांटना चाहिए था? क्या 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव में घर घर पर्चा बांटना चाहिए था? फरवरी में जो डबल इंजन चलान मंगला आ गया, नाच रहे तथैया नाच रहे, गुजरात में 13 साल आप मुख्यमंत्री थे, 6 साल से प्रधानमंत्री थे, आप वहाँ नाच तथैया नाचते, क्यों आपको अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है जिसका नाम कर्णावती था आपने करुणावती बना दिया? चलो जूट के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी, शर्म नहीं आती आप लोगों को भी सवाल करते हुए? आप लोग कहाँ सवाल घुमा देते हो? हम तो सवाल कर रहे हैं अभी कोरोना वायरस क्या कहा? अरे सुन तो लो भाई, कोरोना वायरस क्या कहता है कि देश की जनता जब अपने अधिकारों की बात करे, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाए तो कोरोना फैल जाएगा। 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाला आटा चोरकन समामा की सरकार नहीं बनी, कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। बिहार के चुनाव में नहीं फैलेगा, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में नहीं फैलेगा, 5 राज्यों में नहीं फैलेगा। चुनाव जरूरी था या देश की आवाम की हिफाजत जरूरी थी? कौन लोग जिम्मेदार है आप हमें बताइए ना, कौन लोग जवाबदेह है? भाजपा जब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है हिंदू खतरे में, आपको कुछ विश्वास होता है? आप भी कह रहे हैं भाजपा की भाषा में? नहीं नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं सिर्फ। जो भाजपा नेता कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, उनको बुला लीजिए, हम हिंदू धर्म से आते हैं, ये मुसलमान है, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मिश्रित है। पैंट खोल के तो भाजपा नेताओं को नहीं ना दिखाना होगा कि हमारा जबरदस्ती खतना नहीं हुआ है? आप समझिए, ये लोग लफ्ज याद पर कानून बनाते हैं, दामाद मुस्लिम खोजते, तो हमको कहने हमसे शादी क्यों नहीं करते अपने बेटियों का, अपने बहनों का, क्यों हम हिंदू दामाद नहीं ढूंढते? आप सब सुनिए, हिंदू धर्म खतरे में क्या है आप बताइए ना। जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया केवट समुदाय, उसी समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, 24 लाख लोगों को घर नहीं दिया, इस बात का तकलीफ नहीं है? इस बात का तकलीफ है कि जिस महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रधानमंत्री ने, धोखा दिया, फ्रॉड किया, चीटिंग की, हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्रॉड है, इस बात को पूरे वर्ल्ड कहने लग गया। क्या प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा नहीं थी? कम से कम उस निषाद समाज की विधवा बहू जो बिहार की रहने वाली है, लक्ष्मी देवी को मकान तो दिया होता। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हिंदू खतरे में है, खाद के बोरे पर 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ गया, हिंदू खतरे में नहीं है? सरसों के तेल 50 रुपए का तेल 150 रुपए बिक रहा, हिंदू खतरे में नहीं है? फिर महंगाई है, पहले की महंगाई डाइन खाई जाते हैं, आपकी महंगाई आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई, शर्म नहीं आता आप लोग? उस समय क्या मनमोहन सिंह जी घर में कुआं खोद रखे थे पूर्ववर्ती सरकारों ने, कि बाल्टी लगाए आंखें चल लिया जो आप नंगा नाच रहे थे सड़कों पर, शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, दूसरे तरफ तो वैक्सीन जश्न भी मनाया जा रहा है। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली, हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आप जा रहे हैं पाकिस्तान भेजने, शर्म नहीं आती? अरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप समझिए तो सही। आपने हर किसी को कहते थे प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, हमारा तो सपना है अमेरिका और ब्रिटेन के लोग लाइन में लगे वीजा के लिए, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, एक प्रधानमंत्री अपनी माँ को 4,000 रुपये के लिए लाइन में लगाता है, हम होते तो मुंह में काली पोत के चुल्लू और पानी में डूब मरते, हम नरेंद्र मोदी की तरह बेशर्म नहीं है आप समझिए? आप अपनी माँ को लगाएंगे क्या 4,000 रुपये के लिए? फिर समझिए बात को, अब देखिए, नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में लगाया, GST से व्यापारी भाइयों को लाइन में लगाया, स्कूल कॉलेजों में छात्रों को लाइन में लगा दिया, हमारे मजदूरों को अनप्लान्ड लॉकडाउन में लगा दिया। अब जो हिंदुस्तान में जिंदा है वो अस्पतालों में लाइन में है कि बेड मिले, दवाई मिले, डॉक्टर मिले और राशन पानी मिले कि खा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबको लाइन में लगा दिया, भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। और जो बेचारे मर गए हमारे भाई हिंदुस्तान के, वो श्मशान घाट में वेटिंग लिस्ट में है, वहाँ टोकन बांट रहे हैं ये लोग,
70 साल में विकास की है, बताइए कि मुर्दों को भी टोकन मिल रहा है कब्रिस्तान। कहते थे खुद प्रधान, सुनो तो सही, अरे सुन तो लो, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आगरा के पास में फतेहपुर सिकरी पड़ता है जी, तक कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बनना चाहिए। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हर घर में शमशान बना दिया। आज ये हालात हो गई देश की, ऐसा कोई घर परिवार नहीं बचेगा, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में एक मौतें निश्चित न हो। क्या बना दिया आपको देश, विश्वगुरु बनाने के लिए दिया था कि शमशान घाट है, शमशान घाट बनाने के लिए दिया था। 70 साल नाच रहे नंगा सड़कों पर, 70 प्रधानमंत्री को आपको बनाऊं, आप प्रधानमंत्री हैं? अरे सवाल पत्रकारिता करते हैं आप, टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह क्यों? जो शासन सत्ता में होगा, जो प्रधानमंत्री जी लगातार 2012-13-14 में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जिन जिन बातों पर चिल्ला रहा था, महंगाई पर बात की, महंगाई और बढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था पर बात की, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश देख लीजिए, विकास की बात कह रहे थे विकास हुआ, आत्मनिर्भर करने की बात जसोदा बेन की तरह देश के मजदूरों को आत्मनिर्भर कर दिया, अब पूरी देश की आवाम को आत्मनिर्भर कर दिया कि राम भरोसे हिंदू होटल, भगवान भरोसे छोड़ दिया, अपना इलाज कराओ, मरो जरो कुछ भी हो, अपना मसराम मस्सी में, मने मसराम मस्सी में, आग लगे मस्सी में, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये चुनाव में बस है। पूरा विश्व का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोविड-19 से लड़ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है, हमारा गृह मंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है, पूरी की पूरी भाजपा सरकार। अभी कोरोना वायरस से संज्ञान लेना था, लोगों को घर घर पहुंचाना था, सैनिटाइज कराना था, कि वो ममता बनर्जी से देव मई डीडी गई, पूरा हिंदुस्तान ही चला जाएगा तो अकेले क्या करोगे, मुजरा गाओगे बैठ के लाशों पर, डीजे बजवाओगे, कैसी बात कह रहे हो आप? सवाल करो देश में तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो प्रधानमंत्री लगातार कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करो, हुआ एयर इंडिया भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। भारतीय भाइयों बहनों, ये तो विपक्षियों की साजिश है, हम चाय बेचते थे, कब चाय बेचते बेचते इन्होंने स्टेशन भेज दी, ट्रेन भेज दिया, आपको पता चला पूरा देश भेज दिया, बचा क्या देश में, ये तो बताओ, ये सवाल नहीं पूछते। हिंदू खतरे में है, रेल का किराया बढ़ गया तो हिंदू खतरे में नहीं है, नहीं दिख रहा आपको? प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए के बदले में 50 हो गया तो हिंदू खतरे में नहीं है? आप 30% मुसलमान भाइयों को डराने के हिसाब से आप 70% देश की आबादी को लूट रहे हो, देखो देखो कौन आया, इधर से पॉकेटमारी कर रहे हो, देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ पॉकेटमारी कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा? आप मर्यादा सिखाने चल दिए, हिंदू धर्म सिखा, फिर वही बात। दूसरे तरफ अगर जैसे राम ममता बनर्जी नहीं बोलती तो आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं। किसने कहा? ममता दीदी ने ये कहा कि मैं भी, अरे संत लाना चिल नहीं है, हमारा धर्म सिखाता है नारी सर्वत्र पूजते, आपने देखा होगा रावण कौरव और कंस को, नहीं देखा क्या? रावण कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, तीनों का समूल नाश हो गया, प्रधानमंत्री के पास में तो कोई है ही नहीं, आगे नाथ ना पीछे, पगा बगैर लगाम का कूदे गदा, खुद ही उछल उछल के पूरे विश्व घूम के आ गए, समझिए। रावण ने माँ सीता का अपमान किया, कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया, कंस ने देवकी का अपमान किया, और प्रधानमंत्री ने जसोदा बेन का अपमान किया। हमारे हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, मान में सिंदूर भरना, अग्नि के साथ फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं, इस बात का प्रतीक है कि ताउम्र जब तक उनकी पत्नी जिएगी उसकी मांग को पूरी की जाएगी, 7 वचन निभाने की, प्रधानमंत्री पूरा देश को जसोदा बेन बना दिया, नहीं दिख रहा आपको? हैं रतौदी एक दिन अवधि हैं। और जो आप प्रभु श्री राम की बात कहते, रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए लंका से, तो मोदी जी को नहीं दिख रहा है? आज सुसेन वैद्य को लाने में और संजीवनी बूटी लाने में व्यवधान कौन पैदा किया? कालनेमी राक्षस, ये भाजपा के लोग वही कालनेमी राक्षस जो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध किया, समझिए। फिर आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, पकौड़ा तलने का तो रोजगार दिया भाजपा, पकौड़ा तलने का रोजगार तो दिया युवाओं को भाजपा ने, तो अमित शाह के बेटे को पकौड़ा क्यों नहीं तलवा लेते हैं? क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाए? धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को क्यों मंत्री बनाया? उससे क्यों नहीं पकौड़े तलवा लेते? क्यों नहीं राजनाथ सिंह के बेटे से पकौड़ा तलवा लेते? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को शर्म ही नहीं आती? देश का जनता पकौड़ा तले और आप खुद ही सरकार में बैठ के सत्ता का सुख भोगिए, कहाँ का नियम है भैया? इसीलिए स्कूल कॉलेज में शिक्षा के बजट में कटौती किया क्या? कि पढ़ेगा इंडिया तो पूछेगा इंडिया है,
इसीलिए क्या? पंकज जी एक आखिरी सवाल, आपको भाजपा का लहर नहीं दिख रहा है? भाजपा का लहर पश्चिम बंगाल में दिख नहीं रहा? भाजपा पर पूरे देश में कहर बरप रहा है, समझिए। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। 2014 और 19 के बाद पूरे देश ने देखा, आप समझिए बात, पूरे देश में टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो आओ, अब जो ये लहर है परिवर्तन का, लहर क्या है, खेला होगा परिवर्तन का, महंगाई का, आओ बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, ये खेला होगा। बहुत हुए युवा बेरोजगारों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, ये परिवर्तन का कहर बनके टूटेगा, खेला होगा। बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, इस बात का खेला होगा, इस बात का परिवर्तन होगा। और सुनिए, बंगाल की ये वो धरती है जो ऐसे ऐसे लालों को पैदा किया, जो सिर्फ भारत को ही आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद कराए ब्रिटेनिया हुकूमत से। ये धरती है सुभाष चंद्र बोस की, यहाँ से नारा दिया था उन्होंने, बुलंद की थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आपके चहेते प्रधानमंत्री का, तुम मेरी मकारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। उनका एक ही विजन है, टेलीविजन। जो प्रधानमंत्री, सुनिए पहले बात, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बता दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री का काम है कि नगर निगम के चुनाव में पर्चा बांटना? प्रधानमंत्री का काम है अस्पतालों की स्थिति देखना, जो देश की व्यवस्था देखना, डीडी का ही करना है, है? क्या टपुरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है आपको नहीं दिखा? ओ डीडी, ओ डीडी, कोई कह दे ओ फेकू, ओ बेचू, ओ बाटू, ओ मतों के साथ कैसा लगेगा, समझिए धर्म क्या कहता है, आप समझिए बात। कम से कम शब्दों का तो मर्यादा, हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा, मैंने तो बताया आपको, वो दीदी में क्या खराब, सुनिए ना, बुला तो रहे हैं, हमने कह दिया वो बेचू तो क्या हो गया, बेच नहीं रहा है, फिर हम तो प्रधानमंत्री, अरे तो जो सिखाएगा मास्टर वही ना पढ़ेगा, जो हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा हम उसको उसी भाषा में ना जवाब देगा, कि हम दूसरा अलग से सिखाएंगे, आप समझिए। प्रधानमंत्री की भाषा का बात बताएं, अगर प्रधानमंत्री को बुरा लगता है तो प्रधानमंत्री को ममता दीदी से माफी मांगना चाहिए, मैं समझिए। देश की तमाम स्थितियां जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मतदान के दिन मांगे सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, अब पूरे देश की जनता कंफ्यूज है किस किस चीज़ को प्रणाम करके जाऊँ, राशन महंगा हो गया, किताब कॉपी महंगा हो गया, दवाई महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब तो हिंदुओं के लिए ही है, तो आप जबरदस्ती चले आते हैं कूद के हिंदू मुसलमान पर, क्यों भारत की फिजा को खराब कर रहे हैं? चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद का आजान रहने दो, दो ही कौम की बात करती है ये सरकार, ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो, हमारे हाथों में तिरंगा, हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो।